पहली बिल क्या होने वाली है, नेक पॉइंट पर है, क्या कहते? गाय का गोश्त खाना नहीं कहते। दो तीन दिन पहले जैसे ही बिल पास हुई 75%, कुछ उस पार्टी के लोगों ने गाय को खड़ा कर फूर माला डालते हुए, कुमकुम लगाते हुए उसकी हिफाजत पर खुशी मना रहे थे। उन्हें क्या सोची कि मालूम नहीं ऐसा फिरी, चार तरफ चार्जर जाकर गिरे। मुस्तफा सबका जमा होना हुआ है। अल्लाह हम सब को मस्जिदें आबाद करने वाला बनाए और दोनों जहां की खुशियां नसीब फरमाए, आमीन। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। हजरात, मैं काफ़ी देर से महसूस कर रहा हूँ कि आप हजरात की निगाहें उस ज़ी वक़ार मुकर्रर की तरफ उठ रही हैं जिनके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर, कहकशां का ज़ुहूर है, जिनकी आँखों में अदब का सुरूर है और आवाज़ में सोज़ो गुदाज है, ज़बा में जोश रवानी और अंदाज़ बयां ऐसे जैसे उबलता हुआ आबशार हो। मेरी इससे मुराद बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए हुए ख़तीब ज़मा मुकर्रर शीरे बयां हज़रत मौलाना पीएम मुज़म्मिल साहब रशादी वाला जाही नक्शबंदी क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं, जो अपनी कसीर मशगूलियात और मसरूफियात के बावजूद हमारी हकीर सी दावत को शर्फ़ कबूलियत से नवाजा और तवील सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करते हुए हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। अतालल्लाहु उमरहू बिलआफिया व नफ़ाना बिउलूमिहिल वासिया। अब मैं आपके और हजरत के दरमियान ज़्यादा देर हाइल ना होते हुए दस्त बस्ता हजरत वाला से इल्तिजा करता हूँ कि इफ्तिताह मक्का मस्जिद रामदुर्ग के इस मुबारक और मसऊद मौके पर अपनी कीमती मवाइज़ हसना से हम सब को महजूज फरमा लें। कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। ऐ अहले महफिल मुंतज़िर हैं देर से आली वक़ार, अहले महफिल मुंतज़िर हैं देर से आली वक़ार, आपके पंदो नसाहे का इन्हें है इंतज़ार। इसका क्या करते हैं? ये है ये। नहीं रहा तो हटा दो ये। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال
قال تعالى في مقام آخر إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال تعالى في مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال تعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البراري والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین کرام پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں صحبائے عقیدت کے میں خانے ہزاروں ہے عرفان رسالت کے پیمانے ہزاروں ہے بولو کہتی ہوں بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ صحبائے عقیدت کے میں خانے ہزاروں ہیں عرفان رسالت کے پیمان ہزاروں ہیں کرونا کا ڈر ابھی ہے دکھتا ذرا زور سے بولو سبحان اللہ صحبائے عقیدت کے میں خان ہزاروں ہیں عرفان رسالت کے پیمان ہزاروں ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ دامن ملیے اپنے نظران ہزاروں ہیں دامن ملیے اپنے نظران ہزاروں ہیں کاندھے پہ کفن ڈالے مستان ہزاروں ہیں سبحان اللہ دنیا میں محمد کے دیوان ہزاروں ہیں دنیا میں محمد کے دیوان ہزاروں ہیں سب سے پہلے میں آج کے جلسے کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں حالات کے ناسازگار ہونے کے باوجود انہوں نے
मस्जिद का इफ्तिताह फरमाया और साथ ही एक अजीम शान इजलास का इनेकाद भी किया। जबकि सारी दुनिया में इस वक्त चंद लोगों के जमा हो जाने का खौफ सबको है, मेरा इशारा समझ रहे हैं? अरे समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? सारी दुनिया ये खौफ में इस वक्त मुब्तला है और उस खौफ का नाम है कोरोना। और वो बेचारा कोरोना है कि नहीं है कि ये भी मालूम नहीं। जहां तक ये आज इसकी तहकीक है, कोरोना है नहीं, नाम लगाया गया, लेबल लगाया गया और सारी दुनिया को डराया गया और दुनिया भी इतना डरी 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 डरी, जिसे कोरोना आया उन्हें भी मरिया, जिसे नहीं आया उन्हें भी मरिया। क्या है ना? और यहां तक कह दिया गया कि ये वो बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। और हमारे मुल्क के अंकल सुबह उठे तो ये वादा कर रहे हैं कि बहुत जल्द वैक्सीन आ जाएगी। जब भी उनको स्पीच करने का मौका मिलता है तो वो ये जरूर कहते हैं कि मुल्क बहुत जल्द कोरोना पर काबू पा लेगा और उसकी वैक्सीन जरूर बहुत जल्द मंगा लेगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है, अल्लाह आपके गांव को सलामत रखे, सेहत और आफियत से रखे। बाहर की बात अर्ज करूं, कोरोना का हवा जब चल रहा था, वावेला जब हो रहा था, खौफ का बाजार गर्म था, जिसे कोरोना अटैक होता वो या तो मालदार होता या गरीब। हजरत उलमा मेरी इस्लाह फरमा दें, जिसे कोरोना अटैक होता या तो उन्हें मालदार होता या तो गरीब, लेकिन मौत उसी को आती जो गरीब होता और मालदार सेहत याब होकर आ जाते। सवाल यहां पर यह है, अगर ये बीमारी ला इलाज है जिसकी कोई दवा नहीं, सेहतमंद होकर कैसे आए? सवाल समझ में आ रहा है? अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा, आ रहा है सवाल? गरीब को छोड़ो, बेचारा कुर्बानियों से लेकर शहादत तक गरीब ही पहुंचता है और ये शहादतें माला बनकर गरीब के गले में चढ़ती हैं। मालदार ऐसी शहादतों से बहुत कम आरास्ता होते हैं। सवाल मेरा ये है, जो आदमी कोरोना का मरीज होता वो सेहतियाब होकर आ जाता। बाज अस्पतालों में तो मैंने यहां तक सुना कि एक इंजेक्शन दी जाती है जिसकी कीमत 40,000 रुपए, अगर एक से सवरा नहीं सुधरा नहीं तो 2 देते 3 देते 4 देते। अगर ये बीमारी ला इलाज है तो फिर वो सेहतमंद होकर कैसे वापस आया? अगर वो सेहतमंद होकर वापस आ गया तो फिर उसकी दवा आ चुकी है, अंकल को लालीपॉप देने की जरूरत क्या? क्या बोला ना? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर सेहतमंद होकर आ गया तो मतलब यह है कि हमारे अस्पतालों में भी उसकी दवा मौजूद है। एक पैगाम आज के मस्जिद की इफ्तिताह से आप तक पहुंचाकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, हम साहिबे किताब उम्मत हैं, हमारे पास अल्लाह का कलाम है,
हमारे पास नबी का फरमान है, हमारे पास दुनिया का निजाम और निसाब है, हम उन बातों को भी जानते हैं जिनको अभी तक हमने देखा नहीं और पाया नहीं। खबर का हाल अल्हम्दुलिल्लाह हमी मालूम, अभी हम खबर को गए नहीं। हशर का मैदान हमारे सामने मौजूद है, हमारे पास हमारी जिंदगी का पूरा निजाम और निसाब और सिलेबस मौजूद है। एक बात है रामदुर्ग के मुसलमानों, सबसे पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों पर यकीन करो रखो, बाद में दुनिया की बातें। अगर अल्लाह रसूल की बातों के साथ मुआफकत करे तो यकीन करो, वरना एक ऐसा किक मारो कि वो बात हमारे इंडिया से बाहर जाकर पड़ जाए। मेरे आखा ने क्या फरमाया, हर बीमारी के लिए दवा है, कोई बीमारी ऐसी नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। मस्जिद की इफ्तिताह में मैं कौन सा उनवान लेकर बैठा हूं, पहले मैं आपका खौफ दूर करना चाहता हूं। खौफ के आलम में कोई अच्छी बात दिल दिमाग में नहीं उतरेगी, इसलिए मैं पहले खौफ क्लियर करना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपना मौजू और मकसद आपके सामने रखूंगा। अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हर बीमारी का इलाज अल्लाह तबारक व ताला जमीन में उतारते हैं। यहां तक के आका ने फरमाया, बीमारी के उतरने से 40 दिन पहले अल्लाह ताला उसकी दवा को जमीन में उतार देते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो, जरा मुंह से मांस निकालो बेटा, सुभान अल्लाह सुने नहीं आता उसके वास्ते। कितने दिन पहले दवा उतरती, पेट का दर्द बाद में उतरा, दवा पहले उतरी, कान का दर्द बाद में उतरा, दवा पहले उतरी, दांत का दर्द बाद में उतरा, दवा पहले उतरी, दूसरे आजा का दर्द और दूसरी बीमारियां जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, वो तमाम बीमारियां बाद में उतरी, दवा पहले उतरी। एक जुमला आता है अरबी में, लिकुल्ली दाइन दवाउन, हर बीमारी के लिए दवा है। ये और बात है कि इंसान उस दवा तक पहुंचने में बहुत देर कर देता है, दवा तक पहुंचने से पहले कई जनाजे उठ जाते हैं, ये हमारा अपना कसूर है। लेकिन दवा तो अल्लाह ताला नाजिल कर देते हैं कि पहले दवा बाद में दा यानी बीमारी। सारी दुनिया में इंसान से ताल्लुक रखने वाली जितनी बीमारियां हैं उन तमाम बीमारियों में एक ही बीमारी ऐसी है जिसकी दवा तक अब तक कोई इंसान और डॉक्टर नहीं पहुंचा, और चैलेंज है कि आइंदा भी नहीं पहुंचेगा। एक ही बीमारी है और उस बीमारी का नाम है एड्स, HIV, जिसकी दवा नहीं। क्यों दवा नहीं इसकी, इसलिए इसकी दवा नहीं है कि दूसरी बीमारियां सब तमाम बीमारियों के जुमरे में आते हैं, लेकिन ये बीमारी बीमारी नहीं, गुनाहों के पादाश में अल्लाह का अजाब है ये। और अल्लाह के अजाब के लिए कोई दवा नहीं। अल्लाह के अजाब से बचना है तौबा करना, इस्तगफार पढ़ना है। ये बीमारी एक ऐसा घिनौना काम जो अल्लाह को नाराज करने वाला, नबी को नाराज करने वाला, इज्जत को नाराज करने वाला, मान मर्यादा व आबरू को नाराज करने वाला, जिस जमीन में ये काम होता है, जमीन खुदा से कहती है कि अल्लाह आप हुक्म दे मैं इसे निगल जाऊं। जिस आसमान के तहत में ये काम होता है,
रहा है, वो हिस्सा कहता है कि ऐ अल्लाह आप हुक्म दे दे मैं टूट कर इसके ऊपर गिर जाऊं। ऐसा गुनाह है जिसको अरबी जुबान में जिना कहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने दूसरे गुनाहों के मुताल्लिक फरमाया और नबी के जुबान मुबारक से कहलवाया कि ये गुना ना करो, ये गुना ना करो। ला ताकुलु रिबा वला तशरबुल खमर, सूद ना खाओ, हराम ना खाओ, शराब ना पियो, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, चोरी ना करो, फरा फला। साफ साफ अल्लाह तबारक व ताला ने गुना का जिक्र किया और कहा कि ये ना करो, ये ना करो। लेकिन रामदुर्ग के मुसलमानों, अल्लाह के फरमान का बेहतरीन पहलू अपने दिल दिमाग में उतार लेना। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वला तकरबु जिना, जिना ना करो, ये नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने कहा कि जिना के करीब भी ना जाओ। मैं कर्नाटक वाला, तुम्हें कहां वाले, जरा जोर से बोलो। आजकल हमारे छोटे अंकल भी खामखा बमड़िया मार रही, उन्हों कौन मैं नहीं बोलता। क्या हजरत समझ गए? खैर, क्या डरना सो, सही तौर पर हमें अल्लाह से नहीं डर रही, ये घुघुआ से डरना। इनसे डरे ना डरे, जहां रहना वहां रहेंगे। अगर अल्लाह से डर गए, हम यहां नहीं विलायत के दायरे में रहेंगे। इनसे डरे ना डरे, हम जहां हैं वहां। बेटा फोन ऑफ करो, बेटे लाल मेरे पास भी फोन है, दो सिमाई एक जोरू है, मैं उठा को बात करे तो तुम्हें बैठेंगे नहीं, नहीं उठाना जलसे में, नहीं उठाना। ऑफ करो, बंद करो, साइलेंट करो, इन्हें कब खत्म होता कि इन्हें सबसे बड़ा कोरोना। क्या हजरत? इज्जतों के लिए इन्हें कोरोना, अमन के लिए इन्हें कोरोना, अदब के लिए इन्हें कोरोना, एहतमाम के एहतराम के लिए इन्हें कोरोना। अल्लाह से दुआ करो कि ऐ अल्लाह इस मोबाइल के फितने से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। रुख दूसरी तरफ चला जाएगा, बंद कर दो। सब स्टेज में बैठे हुए मुंतजिमीन, गैर मुंतजिमीन, सामीईन, मुकर्ररीन, वाइजीन, अदब का यही तकाजा है कि अपना मोबाइल बंद करें ताकि जलसे में किसी किस्म का कोई खलल ना हो। शैतान आता नहीं, बल्कि जहां है वहां बैठकर हमारे बजने वाले मोबाइलों को सुनकर देखकर खुश हो जाता है। मैं घुसिया तो उतना काम नहीं होता जितना मोबाइल घुस को कर रहा है। बंद करो। अल्लाह ने क्या कहा? वला तकरबु जिना, जिना के करीब न जाओ। ये नहीं कहा कि जिना न करो, जिना के करीब भी ना जाओ। हमारे स्टेट के अंकल खामखा बिल्ला पास कर रही हैं, अब दो बिल्ला पास होने वाले ही नहीं मालूम। पहली बिल क्या होने वाली है, नेक पॉइंट पर है, क्या कहते, गाय का गोश्त खाना नहीं कहते। दो तीन दिन पहले जैसे ही बिल पास हुई 75% कुछ उस पार्टी के लोगों ने गाय को खड़ा कर फूर माला डालते हुए, कुमकुम लगाते हुए उसकी हिफाजत पर खुशी मना रहे थे। उन्हें क्या सोची कि मालूम नहीं ऐसा फ्री चार तरफ चार जने जाको गिरे। देखे नहीं देखे? वो माता भी यही कह रही है, मेरी हिफाजत छोड़ो, तुम अपनी मां की हिफाजत करो जिसने तुमको पैदा किया।
मैं अकीदतन तुम्हारी माँ हूँ, जिसने तुमको पैदा किया वो हकीकतन तुम्हारी माँ है। ओले झूमो में जाकर देखो, मैं जाता रहता हूँ बेंगलोर से लेकर दूसरे इलाके तक, बूढ़ों का घर, ओल्ड एज होम्स, जहां बच्चे अपने माँ बाप को जाकर वहां दाखिल करते नहीं, डाल देते हैं। मैं तकरीबन 15-20 ओल्ड एज का रिकॉर्ड रखा हूं, जहां पर ज्यादा तादाद मेरे उन भाइयों की है जो गाय को माँ तो समझते हैं, लेकिन पैदा करने वाली माँ को 2 दिन खिदमत कर नहीं सके, लाकर बेवारसी की तरह डाल दिए। बिल पास कर रहे हैं, नहीं खाना कहते, हमें खाते नहीं भाई, लेकिन अल्लाह खलाया तो तुम्हें भी क्या भी नहीं कर सकते क्या हजरत। और अल्लाह की जात से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा रब जरूर हमको खलाएगा, और बिल पास होने के बाद तो और भी ज्यादा खलाएगा इंशाल्लाह। बोले तो समझ गए, यहाँ ज्यादा खाने का इरादा है। बिल पास होगी तो 2 महीने यहां चाको रह जा तू। अल्लाह अकबर, क्या करना क्या कर रही है हुकूमत, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। पहले मेरे वालिद का फरमान मैं दोहरा रहा हूं, छोटे अंकल से लेकर बड़े अंकल तक मैं इस बात को रामदुर्ग के मस्जिद के इफ्तिताह के जरिए ये बात पहुंचाना चाहता हूं, पहले मुल्क के रास्ते साफ करो, पहले पाक करो, सीधे करो। एक जमाने में कपड़ों को पैवन लगाते थे, आज रोडों को पैवन लगा ले कोई, रोडों को आते हो कब देखा मैं, कहां से आया सो मैं, लोकापुर से आया, रस्ते में हवा हवा पैवन डाल लेकर ही। मेरे वाली जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 7 साल जब एक मरतबा किताब फरमाया तो उस वक्त मुल्क आजाद होकर 7 साल हो गए थे। हजरत वाला ने फरमाया कि 7 साल हो गए, मुल्क के रास्ते सीधे कर न सके, तुम हुकूमत क्या संभालोगे। एक बिल ये पास और एक बिल पास होने वाली है, नौजवानों का दिल दुखेगा, लेकिन उस बिल की ताईद में तो मैं जरूर हूं। अच्छा काम जो भी करे इंशाअल्लाह ताला हमारी ताईद जरूर रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। अंकल भी अच्छे होंगे तो पहला वोट मेरा। मौलाना के हवाले से कहना चाहता हूं, ये इस्लाम है, ये मोहम्मद के गुलाम है, अच्छे और अच्छे लोगों के खिलाफ कभी जाते नहीं, अच्छाई के खिलाफ कभी जाते नहीं, अच्छे लोगों के खिलाफ कहीं जाते नहीं। जो भी अच्छा काम करे उसके सीने में सीना लगाकर, मुंडे से मुंडा लगाकर, कांधे से कांधा लगाकर सब में खड़ने का हुक्म हमको जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया है। मोदी जी से हमारी कोई खास दुश्मनी नहीं है, मोटे अंकल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। कामा सीधे नहीं कर रही ना बोलकर 600, कामा सीधे करे तो फिर हमारे से ज्यादा उनका तरफदार कौन हो सकता है। लेकिन एक खुशखबरी देना चाहता हूं, अंकल जरा सुधरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दाढ़ी आ गई है, टोपी पे नब आ गई है। नहीं हजरत, जिन दाढ़ी वालों को देखकर दहशतगर्द कहते थे, आज उन्हीं के चेहरे में मेरे नबी की सुन्नत जगह पकड़ चुकी है, उन्हीं के चेहरों पे मेरे नबी की सुन्नत जगह पकड़ चुकी है। दोस्तों, बात में लंबी करना नहीं, अजमत मसाजिद और मसाजिद के मसाइल आपके सामने पेश करना है, थोड़ी बातें तमहीदी तौर पर आपके सामने पेश कर दूं। एक और एक बिल पास होने वाली है, क्या कहते हो, लव जिहाद। जिहाद को छोड़ो, मैं भी कहता हूं लव पर पहले बिल पास करो। शादी से पहले इस्लाम मोहब्बत का मुखालिफ है कि नहीं है? शादी से पहले मोहब्बत नाजायज और हराम है। किसी लड़की से शादी करने का इरादा कर सकते हैं,
लेकिन मोहब्बत नहीं। मुझे घुगू एक फोन करया, हजरत मोहब्बत कर सकते क्या हजरत? मैं बोला पहले तुम्हारे बाबा को पूछो शादी कैसा करे बोलकर। शादी से पहले मोहब्बत हराम। मेरे शेख ने ये अल्फाज लिखे हैं, बिफोर मोहब्बत और आफ्टर मोहब्बत, बिफोर लव और आफ्टर लव, बहुत बड़ा फर्क है। मोहब्बत की इब्तिदा निकाह से करो, पूरी जिंदगी प्यार रहेगा। निकाह से पहले मोहब्बत का अकाउंट अगर खर्च कर दोगे तो फिर निकाह के बाद शादी के बाद किसी के दरवाजे को जाओ लेकिन मोहब्बत की भीग नहीं मिलेगी। गर्ज एक जिना है जिसकी सजा आसमान से उतर चुकी है, अजाब नाजिल हो चुका है जिसका नाम है एड्स, उसकी एक दवा नहीं है। उसके अलावा हर बीमारी की दवा अल्लाह तबारक व ताला नाजिल कर चुके हैं। और ये कोरोना की हवा ऐसा चलाए ऐसा चलाए ऐसा चलाए कि जिसे अटैक हुआ उन्हें भी मरिया, जिसे अटैक नहीं हुआ उन्हें भी मरिया। हाल ये हो गया कि दो चार आदमियों के बीच में खांसना मुश्किल होगा, दो चार आदमियों के बीच में छींकना मुश्किल होगा, बुखार बोलना मुश्किल होगा। एक मेहमान, एक मेहमारे लॉकडाउन ना, क्या बीत नहीं, कामा गीमा नहीं, आपा के घर को जाएंगे, भैया के घर को जाएंगे बोलकर फोन करते, भैया हमें सब आ रही। अब उन्हें सोचता क्या रे इतनी बड़ी फैमिली आकर बैठ जाती, कहते ना आओ लोग को बोले तो अच्छा नहीं दिखता, आओ बा हमारे भी तबीयत जरा बुखार के सका है। खाली उन्हें क्या बोलता, बुखार है बोलता। नक्को भैया आइंदा वाला भी चाहता हूँ क्या कि हमारे घर में भी क्या कि तबियत बराबर नहीं की का अटैक हो जाता कि अल्लाह अकबर कबीरा। बेंगलोर में मेरे एक दोस्त आकर बोलने लगे कि हजरत सुबह को भी एक जगह जलसे में कहा, रात को भी एक जगह जलसे में कहा, बड़ी अच्छी बात है इसलिए कह रहा हूँ बार बार। मेरे एक दोस्त आकर कहने लगे कि हजरत एक मस्जिद को गया, डिस्टेंसिंग मेंटेन था, फासला समाधि फासला था, एक मुसल्ले की जगह छोड़कर एक आदमी खड़ा ऐसा इधर खड़े थे, मुंह में मास्क था हजरत, तबीयत पूरी मेरी सलामत थी हजरत, अचानक नाक गुलगुलाई, छींक आई, छींक को इतनी मुसीबत समझे। मौलाना शौकत साहब दामत बरकातहुम से पूछो कि छींक क्या है, मौलाना फरमाएंगे कि अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। आदम के अंदर अल्लाह ने रूह फूंका, उठते से उठते सबसे पहले हजरत आदम ने छींका। सीरत हलबिया उठाकर पढ़ो मेरे नबी की सीरत, लिखा है कि पैगंबर पैदा होते ही छींके, और छींक ही एक ऐसी आवाज है जिसका जिस्म से निकलते ही आदमी को हुक्म मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अगर ये मुसीबत होती तो ये कहा जाता छींक के बाद इन्ना लिल्लाह कहो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो, लेकिन छींक के बाद क्या कहने का हुक्म, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह कब बोलते, नेमतों के बाद बोलते, हुसूले नेमत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म दिया गया। शादी होती रामदुर्ग में नहीं होती, होती नहीं होती शादी, हमारे बेंगलुरु में भी होती शादी हो नचना, शादी के बगैर तो हकीम साहब जिंदगी नाकिस है। जो शादी नहीं किया या शादी कर को जोड़ू को नहीं निभाया उन्हें पूरा इंसान नहीं आधा इंसान। मैं किसे बोल रहा हूं तुम्हें समझे तो समझो नहीं तो छोड़ो। शादी नहीं किया या शादी कर को जोड़ू को नहीं निभाया उन्हें पावरफुल नहीं अनपावर।
शादी कर को चलो भी छोड़ डालिया जोरू को मिस्टर एक्स वाई जेड ज्यादा हसन को पुलिस मंजे पकड़ेंगी। शादी कर को खुदा ने कास्ता अगर निभा ना हुआ छोड़ दिया लड़ाई झगड़े की वजह से तो फिर एक मर्द दूसरी शादी किए बगैर रह नहीं सकता। ये इशारा दे रहा हूं, समझने की कोशिश करो। छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे ही उन्हें समझ गए तो बिफोर बालिग हो जाएंगे। क्या बोला ना, हाँ उन्हों ज्यादा हसरी का तहकी तो उनको ज्यादा मालूम भी है सो। क्या हकीम साहब, इन बच्चों को संभालो, इन बच्चों की हिफाजत करो। शर्म नहीं आती ऐ मुसलमानों, तुम घर के फ्रिज की हिफाजत करते हो, वॉशिंग मशीन की हिफाजत करते हो, फिश टैंक की हिफाजत करते हो, सोफा पलंग की हिफाजत करते हो, लेकिन इन मासूमों की हिफाजत नहीं करते, इनके फ्यूचर की हिफाजत नहीं करते। इनको जैसे सवारना वैसे नहीं सवारते, जैसे सुधारना वैसे नहीं सुधारते। ये असल में हीरे के बगैर तराशे हुए पत्थर है, इनको तराशोगे तो जमाने के नगीना बन जाएंगे। ये हीरे के बगैर तराशे हुए पत्थर है, इनको तराशोगे तो ये नगीना बन जाएंगे। ऐसे ही सादा बनकर एक जमाने में औलिया, एक जमाने में गौसो कुतुब पैदा हुए। माँ बाप ने उनको तरबियत से तराशा, माँ बाप ने उनको तालीम से तराशा, माँ बाप ने उनको मोहब्बत से तराशा। और ये भी सोच माँ बाप के जहन में थी कि मेरा बच्चा बड़ा होकर सिर्फ मेरे काम नहीं बल्कि उम्मत और जमाने के काम आए। ये नीयत रखने वाले माँ बाप की नीयतों को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। वो बच्चे 15-20 साल के बाद सिर्फ माँ बाप के काम नहीं बल्कि उम्मत और जमाने और खौफ के काम आए। इमाम बने जमाने के, खतीब बने जमाने के, मुहद्दिस बने जमाने के, मुफस्सिर बने जमाने के, कौम के रहबर बने, कौम के अमीर बने, मुल्क को संभालने वाले बने, मुल्क को सुधारने वाले बने। माँ बाप की सोच, माँ बाप की तरबियत, माँ बाप का अंदाज जैसे होता है वो असर बच्चों पर पड़ता है। एक बात सुनकर तो सुबह से मेरा दिल दुखी है। जब मैं रामदुर्ग को आया, यहाँ के उलमा ने इस आजिश का इस्तकबाल किया और हालात मैंने पूछा रामदुर्ग में कितने मस्जिदें हैं। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 9 मस्जिदें हैं और मसलक की भी निशानदही की। कितने मस्जिदों में काम होता है, कितने मस्जिदों में सलाम होता है, अब वो मसला उठाना नहीं। काम भी हमारा है, सलाम भी हमारा है, काम भी हमारा है, सलाम भी हमारा है। ये इम्तियाज छोड़ो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये इम्तियाज छोड़ो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। सवाल मेरा नहीं, मेरे साथ हजरत मौलाना शौकत अली साहब दामद बरकातहुम का भी सवाल है। ये मसलकी इख्तिलाफात अब छोड़ दो मेरे दोस्तों। जिस मस्जिद में काम है काम करो, जिस मस्जिद में सलाम है सलाम पढ़ो, लेकिन पूरी मस्जिद वाले मिलकर एक काम करो। वो काम देवबंदियों का नहीं, वो काम बरेलवियों का नहीं, वो काम मुकल्लिदीन का नहीं, वो काम गैर मुकल्लिदीन का नहीं, वो काम इस्लाम और मुसलमानों का, नबी की शरीयत का काम है। 2-3 मिनट में वो क्या काम है मैं बताता हूं। सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि अब ये तमाम बातों का इख्तलाफ छोड़ो। मेरी मस्जिद तुम छीनने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मस्जिद मुझे छीनने की जरूरत नहीं। क्यों? कि मस्जिद में 80% काम तो वही होते हैं जो कुरान और हदीस के होते हैं। 20% काम हमारे अपने सोच के होते हैं, लेकिन मस्जिदों में तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही का काम होता है। इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है मेरे दोस्तों, इत्तेफाक सबसे बड़ी ताकत है मेरे दोस्तों, उकूवत सबसे बड़ी ताकत है मेरे दोस्तों। मुझे करीब में लॉकडाउन आ जाने से वो प्रोग्राम
नहीं हुआ हकीम साहब, अगर लॉकडाउन ना होता एक मिसाली प्रोग्राम होने वाला था। मुझे एक बरेलवी भाई ने उर्स में दावत दी, कहा कि मौलाना आपके बयानात से मैं मुतासिर हूँ, आपके वालिद के रमजान के बयानात से मैं मुतासिर हूँ, मैं चाहता हूँ मैं एक वली कामिल के मजार का जिम्मेदार हूँ और हर साल मैं पाबंदी से उर्स करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस उर्स में आप आकर बयान करें, क्या मैं दावत दूँ तो आप आएंगे? मैंने कहा कि जरूर आऊंगा। कौन कहता है कि हम औलिया को नहीं मानते? हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम अंबिया को भी मानते हैं, हम सहाबा को भी मानते हैं, हम औलिया को भी मानते हैं, हम गौस को भी मानते हैं, हम कुतुब को भी मानते हैं, हम अब्दाल को भी मानते हैं, हम बड़े पीर को भी मानते हैं, हम हजरत बायजीद को भी मानते हैं, सुफियान सौरी को भी मानते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को भी मानते हैं, बंदे नवाज को भी मानते हैं, बख्तारे काकी को भी मानते हैं, हजरत बुसरी को मानते हैं, साबिर किलियरी को मानते हैं। तरीका बदल सकता है लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती। तरीका बदल सकता है लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती। हाथ जोड़ता हूं दोस्तों मेरे प्यारों, अब इन मसाइल को छोड़ो, सलाम आम करो। बरेलवी दिखे तो सलाम करो, देवबंदी दिखे तो सलाम करो। शर्म नहीं आती कि हम गैरों को तो सलाम करते हैं जबकि वो लायक सलाम नहीं रहते, और मोहम्मद के गुलामों को सलाम नहीं करते जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। मनफात ये है इस खाम की। अल्लाह अकबर, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, समझो हमारा सबका नफा एक, हम सबका नुकसान एक, हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूलुल्लाह एक, हमारा काबा एक, हमारा मदीना एक, हमारा कुरान एक, हमारी हदीस एक। अभी करीब में पड़ोसी मुल्क में एक बहुत बड़े आलिम दीन का इंतकाल हुआ, मालूम हुआ आप लोगों को? बहुत कम लोग हाउ बोल रहे, की कहते उन्होंने बराबर समझे नहीं। पड़ोसी मुल्क बोलिया ना मई, क्या वास्ते? कहते पाकिस्तान बोले तो होता नहीं, कहते नाम लेना नहीं, कहते हकीम साहब अंकल जाको आ सकते, इन्हों जाकर आए तो वहां के नहीं हुए, हमें नाम ले लिए तो वहां के हो गए। मौलाना लकमा दे रहे तरावी में, अटके तो लकमा दे सका, गए के तो खाए भी रंगे। बिल्ली सब चूहे खा को हटको गए सका, तुम्हें करे तो वाह, हमें करे तो आह की। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं ते होते कम, आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम्हें जाकर आए तो क्या भी नहीं, हमें मिसाल के तौर पर नाम ले लिए तो नोट नोट नाम इतने बाबा ले रही सो हमें, हम ना वो मुल्क से दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं, कई कुरहंगा हमारे चिच्चा ही क्या वहां हमारे ताइबा है, हमारा नन्नियाल वो। जब बात लंबी हो रही है, कोरोना एक एतबार से अल्लाह का फजल, तवज्जो चाहता हूं हजरत, कोरोना एक एतबार से इलाका उड़ने को थे एनआरसी सीए, ये एनआरसी सीए बोल को कोरोना आको सबको अंदर कर दलिया। अल्लाह का करम हजरत, अगर उन्हें नहीं आता तो इलाका कितना उड़ते थे कि अंकल तो दिखे नहीं, मोटे अंकल
मैं भी ढूंढको ढूंढको थका है। आते ही छप गए, अभी भी हमारे अंकल के मुंह से हिजाब हटया नहीं, पर्दे में है। अल्लाह इनको पर्दे में तो रखे, माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी आमीन को कबूल कर ले। पर्दे के कई मतलब आई रे बाबा। क्या हजरत, उनका इंतकाल होगा एक लफ्ज, उनका विसाल होगा एक लफ्ज, उनकी वफात हो गई एक लफ्ज, उनका पर्दा हो गया एक लफ्ज, सबका एक ही मतलब। क्या हकीम साहब, अल्लाह अकबर कबीरा। पड़ोसी मुल्क में एक मौलाना का इंतकाल हुआ, हजरत मौलाना मुफ्ती जरवली खान साहब रहमतुल्लाही अलैह। इमाम अहमद बिन हंबल, चार इमामों में से एक इमाम गुजरे हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल। हर इमाम अपनी जगह पर बेमिसाल, हर इमाम अपनी जगह पर आफताब और महताब। हमें फैसला करने की जरूरत नहीं कि इन चारों में से किसका इल्म बड़ा था, किसका इल्म ज्यादा था, किसका इल्म कम था। एक एक की सीरत पढ़ते हैं तो फिर फैसला मुश्किल हो जाता है। इमाम अहमद बिन हंबल के मुतालिक आता है, 10 लाख हदीसे सनत के साथ इमाम अहमद बिन हंबल को याद थी। कितनी? 10 लाख हदीसे। पूरी तकरीर को तरतीब से याद रखो, मैं सबको लेकर इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम तक पहुंचूंगा। कितनी हदीसे याद थी? 10 लाख हदीसे सनत के साथ याद थी। ये लफ्ज सनत का मुकम्मल मतलब स्टेज में बैठे हुए और सामईन में बैठे हुए सिर्फ हजरत उलमाए किराम जान सकते हैं। मतन हदीस का याद करना आसान है, सनद हदीस का याद करना आसान नहीं है। मतन हदीस का याद करना आसान है, सनद हदीस का याद करना मुश्किल है। लेकिन हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को 10 लाख हदीसें याद थी। एक मसले में हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का वक्त के बादशाह के साथ इख्तिलाफ हो गया। गौर से सुनना मेरे दोस्तों, एक मसले में हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का वक्त के बादशाह के साथ इख्तिलाफ हो गया। बादशाह झुकाना चाहता था, बादशाह फतवा बदलवाना चाहता था। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया, मैं अगर हकीकत से हिटू और मैं फतवा बदल दूं तो शरीयत का सौदा करने के बराबर है। आज तेरे कहर और अजाब को मैं सह लूं तो फिर मरने के बाद जन्नत मेरा इंतजार करेगी, जन्नत मेरा इस्तकबाल करेगी। ऐ बादशाह, तेरे हाथ से जो हो सकता है तू कर ले, मैं अपने फतवे से बदल नहीं सकता। आपने ये वाकिया इन उलमाए किराम से सुना होगा, मुझे मौजू को लाकर पेश करना है तो मैं दोबारा तुम्हारे सामने सुना रहा हूं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल शरीयत की हिफाजत करते हैं, कुरान की हिफाजत करते हैं, हदीस की हिफाजत करते हैं। उन्हीं इमाम अहमद बिन हंबल की रूहानी नस्लें यहां पर बैठी हुई है। ये उलमा उन्हीं की रूहानी औलाद है। मौलाना शौकत साहब दामत बरकातहुम ने जो दर्द पेश किया, उस दर्द को मैं जरा खोल कर पेश करूं। इनका अदब करो मेरे दोस्तों, इनका एहतराम करो मेरे दोस्तों, इनकी जूतियों को सर का ताज समझो मेरे दोस्तों, इनके बातों को अपनी जिंदगी का जखीरा समझो मेरे दोस्तों। इन पर नजर पड़ गए तो मारे अदब के नजरों को झुका लो, तुम्हारी नस्लों में अल्लाह उलमा पैदा करेंगे। अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक वाकिया पढ़ा, वाकिये पर वाकिया पैदा हो गया। सो रहे की जाग रहे, मौसम ठंडा है, नहीं बुलाए तो भी नींद आती।
मजा मिल रहा है, खाने का भी इंतजाम है। आप समझ में आया, इतने इत्मीनान से तुम्हें कहीं को बैठी मुल्को हल्दी भी नहीं हदरी भी नहीं ना, कितने गौर से सुन रही ना का तो राज समझ में आया। मजाक कर लिया सो, तुम्हें सिर्फ मस्जिद की मोहब्बत में आए हैं। आज दावत अल्लाह के घर की होगी, इससे बड़ी बेहतर दावत कोई नहीं हो सकती। दाने दाना अल्लाह की तरफ से है। गर्ज थानवी का वाकिया मैंने करीब में पढ़ा, उलमा का अदब एहतराम करो, उन पर पड़ती है तो नजरें झुका लो, पहल करके उनको सलाम करो, उनकी खिदमत के लिए आगे बढ़ो। है नहीं है ये ना देखो, जिसके पास है उसकी भी खिदमत करो, जिसके पास नहीं है उसकी भी खिदमत करो। इमाम अबू हनीफा कितने बड़े मालदार थे मालूम, रोजाना एक जोड़ा नवा पहनते थे। आज का मस्जिद का इमाम रोजाना एक जोड़ा नवा पहना तो सबसे पहले सदर के पेट में दर्द है, नहीं सेक्रेटरी के सर में दर्द, सूचने को बैठ जाता रोज एक जोड़ा पहन रही ना, आता कहां से? मैं दे रू सो तनखा 5,000 ना, इनू रोजाना एक जोड़ा पहन रही ना, ये आई दौलत इनको कहां से? बरकत को समझने का दिमाग तुम्हारे पास नहीं है, बरकत को समझने का दिमाग तुम्हारे पास नहीं है। माना कि हमारी तनख्वाह 6-7 हजार है, लेकिन डॉक्टरों की 70,000-80,000 तनख्वाह से ज्यादा बेहतर हमारी तनख्वाह है। लायरों के 1-1.5 लाख के वजीफे से बेहतर तनख्वाह हमारी है। हमारे 7-8 हजार रुपए में अल्लाह ऐसी बरकत रखा है कि महीना गुजर जाता पैसे बच जाते। क्या मौलाना सही बोल रहा हूं? तुम्हें मुंडी हलाओ, चुपके तो भी हलाओ, देखेंगे बात का। है नहीं है बरकत? अल्लाहु अकबर, बात गहरी हो जाएगी मेरे दोस्तों, शर्म आती है बाहर कहते हुए। खुदा करे कि तुम्हारे अलावा कोई ना सुने और कोई ना समझे। लॉकडाउन के मौकों पर तो मस्जिदों के इमामों पर, मस्जिदों के खतीबों पर, मुअज्जिनीन पर, कादिमीन पर जुल्म हुआ। बाज मस्जिदों से तो इमामों को निकाल दिया गया, बाज मस्जिदों में खतीबों को कह दिया गया अब आने की जरूरत नहीं, जब कोरोना जाएगा तुम ना बुलाएंगे। पूरा काम मुअज्जिन से लेने लगे। तनखे का जब सवाल हुआ, पढ़ाए चनी नमाज तो तनख्वाह किस बात की, हलाल क्या बोलकर उल्टा पूछे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, कमेटी के जिम्मेदारों मैं डंके की चोट में कहता हूं, अल्लाह से डरता हूं, किसी माँ के लाल से नहीं डरता। तुम मस्जिद के कादिम हो, तुम्हारे अंदर इल्म का होना जरूरी है। ये मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले अइम्मा, अजान देने वाले मुअज्जिनीन, बयान करने वाले खुतबा को जो तुम तनख्वाह देते हो, ये इनकी नमाज की तनख्वाह नहीं है। नमाज के लिए जो वक्त लगाते हैं वो वक्त की तनख्वाह है। अगर तुम ये सोचते हो कि हम इनके नमाजों की तनख्वाह देते हैं, ये तुम्हारी कम अकली है, इसलिए कि इनकी एक तकबीर का बदला देने की ताकत अंबानी के पास भी नहीं है। नहीं है किसी के पास इतनी दौलत नहीं। फिर कभी मौका मिलेगा तो इन बातों पर अमल किया जाएगा और इन बातों को बोला जाएगा। निकाले इमामों को निकाले। मैंने भी कहा, मेरे असातिज़ा तो बड़ी गहराई में जाकर कहे, 15-15 साल के इमाम को लॉकडाउन में तनख्वाह बंद करे हजरत, 20-20 साल के इमामों को तनख्वाह बंद करे। मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा, मैं भी कहा कि 15-20 साल जिस इमाम ने तुम्हारी नमाजों को संभाला, 3-4 महीने क्या तुम उस इमाम को नहीं संभाले? नहीं संभाले? ये उलमा है
जो पहले भी और आज भी कुर्बानियां देकर उम्मत को संभाल रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल, एक मसले में बादशाह से इख्तलाफ होता है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्ला अलैह ने कहा, हो नहीं सकता मैं अपना फतवा बदल दूं, अपनी जुबान बदल दूं, और जो कलम की स्याही मैंने कुरान और हदीस से ली है उस स्याही को बदल दूं, तेरे हाथ से जो हो सकता है तू कर, मैं अपना मसला बदल नहीं सकता। बादशाह को गुस्सा आया, बादशाह ने कोड़े लगाने का हुक्म दिया, वो भी 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। 100 कोड़े लगाने के लिए 10 जल्लादों को तैयार किया, हर जल्लाद की बारी 10-10 कोड़े लगाकर वापस आ जाना। ऐसा सख्त सजा दी गई, बड़ा गहरा और बड़ा वसी वाकया है, बड़े निकात इसके अंदर निकलते हैं। वक्त का तकाजा है, मजमून बड़ा है, तो मैं गुजरता जा रहा हूं। कोड़े मार मार के जा रहे हैं, ऊपर का पूरा हिस्सा खाली और नंगा था। एक 53 हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के नाफ से लेकर घुटने तक बंधी हुई थी, जिसको तहबंद और लुंगी कहा जाता था, उसकी घाटी थी। मारो के ताब ना लाकर पेट अंदर जाने की वजह से वो घाटी खुलती जा रही थी। इमाम अहमद बिन हम्बल कौन थे मालूम, जिनकी दुआ को अल्लाह सुनकर फरिश्तों को मदद के लिए उतारा। निगाह आसमान की तरफ इमाम अहमद बिन हम्बल उठाते हैं, अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं, इलाहल आलमीन, मैं तेरे कुरान की हिफाजत कर रहा हूँ, तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर ले। मैं तेरे कुरान की हिफाजत कर रहा हूँ, तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर ले। अल्लाह की रहमत को जोश आता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को उतार कर कहते हैं, जाओ मेरे अहमद की लुंगी की घाटी सीधी करके आओ। वहां खड़ के देखने वाले औलिया ने देखा कि इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी की घाटी को खूबसूरत सफेद लिबास वाले अल्लाह के बंदे उतर कर घाटी टेट कर रहे हैं। जब ये पूरा मंजर वाकिया इमाम शाफी को पहुंचा, इमाम शाफी कभी कभी कहते अहमद बिन हम्बल से, तुम उस कपड़े का पानी जरा मुझे दे दो जिसकी घाटी को फरिश्तों ने सीधा किया है, तुम उस कपड़े का भिगोया हुआ पानी मुझे दे दो जिसकी घाटी को मलाइका ने सीधा किया है। मैं ये बात किस लिए कहा, किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा, हजरत आप हक पर है कि बादशाह हक पर है, आप हक पर थे या बादशाह हक पर था? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, अब पता नहीं चलेगा, हमारे जनाजे बताएंगे कि हम में से कौन हक पर था। चुनाचे लिखा है तारीख में सबसे बड़ा जनाजा हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का था, जिसके पढ़ने वालों की तादाद 10 लाख बताई जाती है, जिसके पढ़ने वालों की तादाद 10 लाख बताई जाती है। खाली मजमा अपने घरों को पहुंचने के लिए 2 महीने हो गए शहराइन। मजमा पहली सब के लोग इमाम अहमद बिन हम्बल के जनाजे से फारिग होकर अपने घर को पहुंचने के लिए, खाली वो मजमा पार करने के लिए 2 महीने हो गए, ऐसा जनाजा उनका। फिर खरीब में अगर किसी का वो जनाजे का मंजर नजर आया तो हजरत मौलाना मुफ्ती जरवली खान साहब रहमतुल्लाहि अलैह, पड़ोसी मुल्क तो है ही उनका, तो वहां जिस गली जिस चौराहे पर देखे जनाजे का मंजर नजर आता है। बात आ गई तो मैं आज कर रहा हूं, हजरत ने फरमाया कि भाइयों मैं भी बहुत इख्तलाफ किया, लेकिन अब उम्मत की हालत को देखकर सिवाय इत्तेहाद के और कोई चारा नहीं है। एक बन जाओ, काम और सलाम पर बात करते हुए यहां चला गया, अब इख्तलाफ करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब एक हैं। हमारे इख्तलाफ से हमारे दुश्मन को अगर फायदा पहुंचता है, हमारा जिंदा रहने से मरना बेहतर है। ये लफ्ज फिर सुन लो मेरे दोस्तों, हजरत वाला के हवाले से स्टेज में बैठे हुए हजरत उलमा के हवाले से मैं जुमला पेश कर रहा हूं, हमारे इख्तलाफ से हमारे दुश्मन को अगर फायदा पहुंचता है तो हमारे जीने से हमारा मरना बेहतर है। एक तमसीली वाकया सुनो, जंगल का राजा कौन,
है कि रामदुर्ग में है? नहीं है। जर्रा क्या तभी गाड़ी को ढकल डाला स्विफ्ट को, आप शेर जी मेरा बेटा सूरत देखे थे फिसल बंडा इन द मूंजी की तंजावर की मंजा शेर को कभी भी देखे क्या बा? जानवरों में शेर और बकरी दो ही ऐसे जानवर हैं जिनके चेहरे में दाढ़ी होती है। तू अपने आप को शेर भी बोलता, चेहरे चेहरे में दाढ़ी भी नहीं, रत्ती काती भी काम कर डालिया शेर कते। रमजान आता रामदुर्ग में आता, हमारे बेंगलुरु में भी आता। रमजान में शहरी कूटता मुंह धोता नहीं, आसमान से गिरे खजूर में अटके, पलंग से उठते ही सीधा दस्तरखान को आंखों बैठ जाता। जोरू बच्चे सब देखते हैं, बच्चे तो और टेंशन में आ जाती, अम्मा हमना मार को मुंह धुलाई, हमारे बाबा कहीं को मुंह धोई नहीं सो। जोरू बोलती, जरा मुंह धो लियो जी, दिन में तुम्हें ब्रश नहीं कर सकते, पेश नहीं लगा सकते, भूल को उतर गया तो रोजा मकरू हो जाता, मुंह धो ले। ए चुप, शेर कब तभी मुंह धोया? शेर कब तभी मुंह धोया? शेर वो भी धोया नहीं तू की धोता। मुंह धोया नहीं चल रहा रे बाबा, वो धोना नहीं सो मालूम होता हाल। जंगल का राजा क्या? शेर। जंगल में दो शेरान थे कते, वाकिया तमसीली है, बड़ा बेमिसाल है इत्तेहाद के नाम पर। फिर इन बच्चों के फ्यूचर पर बात करके मैं असल मकसद की तरफ आ जाऊं। जंगल में दो शेरान थे कते, दो शेरों में आपस में झगड़ा होगा, एक बुड्ढा शेर एक जवान शेर, दोनों लल्ली है, दोनों बात करना भी छोड़ डाले, दोनों की मीटिंग भी नहीं। एक बुड्ढा शेर एक जवान शेर। एक मरतबा बुड्ढा शेर कांकी जाले को था, 15-20 कुत्ते आको बुड्ढे शेर को घेर लिए। कुत्ते मालूम जो बेकार के बमड़िया मारती, समझ रहे मेरा इशारा? बेकार के बमड़िया मारते ना उन कुत्ते, काम की आवाज निकालने वाले इंसान। बेकार की बमड़िया नहीं मारना, कुत्ता एक ऐसा जानवर है, खूबियां तो अपनी जगह पर है, कुछ बेवकूफियां ऐसी है। बेकार की बमड़ी मारता, बेकार का स्पीड भागता, बाजलों का स्पीड गाड़ी चलाए तो मुझे कुत्ता याद आता सो। हमारे नौजवान पल्सर एक्टिवा क्या की किधर की स्पीड चलाए तो हजरत मुझे कौन याद आता? स्पीड जाको सिग्नल में खड़ जाता। कुत्ता भी ऐसा स्पीड जरूरी क्या की काम है बोल को जाता, बीच में खड़ जाको इधर इधर देख लो करता कहां जाना बोल को। وقصد في مشيك واغزوز من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير। चले तो दरमियानी पन में चलो, एकदम स्लो भी नहीं एकदम आहिस्ता भी नहीं, जहां रास्ता है तो स्पीड चलो, जहां रास्ता नहीं तो आहिस्ता चलो। खामखा एक देखो एक दूसरे को ओवरटेक कर तकलीफ देकर हारना बजाकर बूढ़ों को चमकाकर औरतों को चमकाकर ना गुजरो, एक गड़ा आया तो फिर पता चलेगा चमकाने का नतीजा क्या है। 15-20 कुत्ते आकर बूढ़े को घेर लिए, बूढ़ा शेर था, हाथ पांव जवाब दे चुके थे, आवाज जवाब दे चुकी थी, ताकत जवाब दे चुकी थी, अब उसके चिंगार पर वो पावर नहीं था। 15-20 कुत्ते उसे घेर लिए थे, पूरी जिंदगी का हिसाब लेना चाहते थे,
इधर से एक कुत्ता भौंक रहा, उधर से एक कुत्ता भौंक रहा, उधर से कुत्ता सामने आकर चमका रहा, उधर से दुम पकड़ कर खींच रहा है। बूढ़ा शेर, शेर रहा तो भी क्या हुआ, बूढ़ा हो गया तो जवाब दे देती है जिंदगी। जवान शेर को पता चला मेरा दुश्मन बूढ़े शेर को कुत्तों ने घेर लिया है, फौरन दौड़ता हुआ आया और आकर ऐसी चिंघाड़े मारने लगा कि पूरे कुत्ते दुम दबाकर भाग गए। बूढ़े शेर को बचा दिया, इशारा कर दिया कि बूढ़े मियां बाहर मत निकलो, जमाना बड़ा खराब है, अब वो जवानी तुम्हारे पास न रही, जिस जवानी से जंगल डरता था तुम्हारा बाहर निकलने से बेहतर है, बड़े मियां तुम्हारा अंदर रहना, जाओ जाओ जाओ। जवान शेर दुश्मन रहकर भी अपने दुश्मन को कुत्तों से बचा कर भेज दिया जंगल में। किसी दूसरे जानवर ने इस जवान शेर से पूछा, राजा साहब उन्हें तो तुम्हारा दुश्मन ना, उसे तुम्हें कई को बचाए। तो जवान शेर ने जो जवाब दिया, ये जवाब जरूर याद रखना रामदुर्ग के मुसलमानों, जवान शेर ने जो जवाब दिया ये जवाब जरूर याद रखना मेरे दोस्तों रामदुर्ग के और अतराफ अकनाफ से आए हुए मेरे भाइयों। जवान शेर ने कहा, हमारी दुश्मनी अपनी जगह पर, लेकिन कुत्तों से अगर हमारी बिरादरी को नुकसान पहुंचता है मैं कभी उसे बर्दाश्त नहीं करता। कुत्तों से हमारी बिरादरी को नुकसान पहुंचता है मैं कभी उसे बर्दाश्त नहीं करता। इत्तेहाद के साथ रहो, इत्तेफाक के साथ रहो। मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ हर अदाओं में सबक मिलता है, हर अंदाज में सबक मिलता है। क्या तुमको ये सबक नहीं मिला कि मस्जिद में इससे बेहतर सबक सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मैं नाम तक लेना चाहूं तो कोई हर्ज नहीं है अच्छी बात को पेश करने में। हर कौम का एक मुकद्दस घर होता है, हिंदू भाइयों का मंदिर होता है, सिख भाइयों का गुरुद्वार होता है, पारसियों का कलीसा होता है और ईसाइयों का चर्च होता है। हम मुसलमानों की इबादत की जगह मस्जिद होती है। तमाम धर्मों को आप गौर से देखें, वो अपने अपने मुकद्दस मकामात को जाकर जब इबादत करते हैं, अलग अलग जाकर पूजा पाठ करके आ जाते हैं, इसलिए उनके दिलों में जोड़ नहीं होता। हम जब नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के घर को जाते हैं तो हमारी अदाएं क्या होती है, फजर मौलाना ही पढ़ेंगे, फजर मैं भी पढ़ रहा हूँ, फजर मौलाना पढ़ रहे, फजर मौलाना पढ़ रहे, आप सब फजर पढ़ रहे हैं, हम अपनी अपनी फजर पढ़कर नहीं आते, सब मिलकर फजर पढ़कर आते हैं। अपनी अपनी जहर पढ़कर नहीं आते, सब मिलकर जहर पढ़कर आते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, सारी दुनिया में इम्तियाज दहलीज पे कहीं खत्म होता है, वो अल्लाह के घरों पे खत्म होता है। मैंने ऐसा इम्तियाज का खात्मा कहीं नहीं देखा। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं एक गुनहगार अदना तालिबे इल्म हूं, जज्बात पेश कर रहा हूं। इम्तियाज का ऐसा खातिमा जो अल्लाह के घर में होता है कहीं और नजर नहीं आता। गैर मुस्लिम भाइयों का एक मुकद्दस मकाम है आंध्र प्रदेश में, और उस गांव का नाम तिरुपति है। अभी 20-25 दिन पहले मुझे उस गांव में बयान को जाना हुआ, और उनकी जो मंदिर है बिल्कुल ऊपर जगह पर मंदिर है, उस जगह का नाम तिरुमला है। कभी किसी मौके पर मैंने गया था सिर्फ देखने के लिए, अब तो नॉन हिंदू को जाने पर पाबंदी लगाई गई है, सही भी है। हमारे अपने खास मकामात होते हैं तो नॉन रिलीजन को आने पर पाबंदी लगाना कोई बुरी बात नहीं है। अब देखिए मक्के मुकर्रमे में नॉन मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं, मदीने मुनव्वरा में नॉन मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं, बिल्कुल सही कानून है। अगर हिंदू भाई भी ये कानून बना लेते हैं अपने किसी खास जगह के लिए तो कोई बुरी बात नहीं। मैंने करीब में गया तो पूछा कि क्या हाल है, नहीं नॉन हिंदू को जाने नहीं देते। मैं खामोश हो गया, लेकिन मुझे मालूम है वहां के पूजा का हाल क्या है। 5,000 पूजा करने वाला जरा करीब होता है, 10,000 पूजा करने वाला और करीब होता है,
कोई फिल्मी स्टार आ गया तो उसे कोई गेट नहीं अंदर छोड़ा जाता है। अगर कोई एमएलए आ गया उसका इस्तकबाल शाहाना तौर पर होता है, एमपी आ जाए उसका शाहाना इस्तकबाल होता है, फिर उनको और भी ज्यादा बुत के और मूर्ति के करीब कर दिया जाता है। लेकिन दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम और इस्लाम में अल्लाह के घर मसाजिद है। यहाँ अगर जाने तक कौन एक्टिवा में आया, कौन कार में आया, कौन 800 में आया, कौन इनोवा में आया, कौन पल्सर में आया, ये इम्तियाज तो रहेगा, लेकिन चप्पल छोड़कर अंदर जाते ही सब एक बन जाते हैं। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयास। गोरा काला एक सब में, मोटा गिट्टा एक सब में, दुबला मोटा एक सब में, सिवाय इमाम की सबकी जगह बराबर की नहीं। अभी मालूम हुआ कि ये जगह हमारे एक दोस्त ने अल्लाह के घर के लिए दिया, सलाम है उनके इस खिदमत पर, लेकिन फिर आज के बाद वो ये अपनी मस्जिद में इजारादारी नहीं कर सकते। जब देने का इरादा कर दिए तो फिर ये जगह इनके हाथ से निकल गई। आगे चलकर कभी खड़े होकर नहीं कह सकते कि मेरी जगह ये है इसलिए कि मैंने इसको वक्फ किया है, मेरी हमेशा पहली सब में जगह रहेगी। नहीं, दिए तक बराबर, देने के बाद अजर तुमको मिल गया। अब यहाँ अंदर दाखिल होते ही सब एक, सदर, सेक्रेटरी, अमीर, गरीब, काला, गोरा, मोटा, दुबला, सब क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इसीलिए अल्लामा ने क्या कहा, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास। इससे बड़ा सबक मेरे दोस्तों कहीं मिल सकता है, कहीं मिल सकता है? मैं बात को वहां तक लेकर चला गया, बोलना क्या चाहता था, सुनकर बच्चों के बारे में सुनकर बड़ा अफसोस हुआ मुझे। किसी मस्जिद में काम होता है, किसी मस्जिद में सलाम होता है, काम को भी सलाम, सलाम को भी सलाम। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ मौलाना को साथ लेकर, हमारी मस्जिदों में इन बच्चों की तालीम का कितना इंतजाम होता है? मुझे काम वाले भी जवाब दो, मुझे सलाम वाले भी जवाब दो, इन बच्चों की तालीम का इंतजाम हमारी मस्जिदों में कितना होता है? जिस मस्जिद में मदरसे का इंतजाम ना हो उस मस्जिद का इंतजाम नाकिस है, कान खोल कर सुन लो। क्या बोला ना, सही कह रहा हूं मैं? जिस मस्जिद में मकतब का इंतजाम ना हो वो मस्जिद का इंतजाम नाकिस है। रामदुर्ग के मसाजिद के जितने जिम्मेदार यहां आए हैं या मेरी बात उन तक पहुंच सकती है, वक्त होता तो मैं हर मस्जिद के जिम्मेदारों तक पहुंचकर यह गुजारिश करता, अपनी मस्जिदों में मकतबों का इंतजाम और एहतमाम करो, अपनी मस्जिदों में मकतब और मदरसे का इंतजाम और एहतमाम करो, वरना अल्लाह की अदालत में सिर्फ मस्जिद की खिदमत नहीं मदरसे और मकतब का भी सवाल होगा। इन बच्चों को अभी इसी उम्र से कुरान से तारुफ ना कराएं, इन बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाएं, इन बच्चों को मसाइल नहीं सिखाएं, तो फिर कौन सी जगह है मेरे दोस्तों जहां इन बच्चों को कुरान पढ़ाया जाए, जहां इन बच्चों को वजू सिखाया जाए, जहां इन बच्चों को गुसल सिखाया जाए, जहां इन बच्चों को नमाज सिखाया जाए? यही तो मस्जिदों के छोटे छोटे मकातिब होते हैं। इन उलमाए किराम को मौका दिया जाता है मगरिब की नमाज के बाद से लेकर ईशा तक, इमाम साहब लिल्ला आप बाहर न जाए, बैठकर हमारे मोहल्ले के मासूम बच्चे जो सुबह को 8 बजे जाकर स्कूलों को शाम को 4 बजे आते हैं, तरबियत में धूल पड़ जाती है, अकीदों में धूल पड़ जाती है, ख्यालात में धूल पड़ जाती है,
تعلیم بچ سے بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک گھنٹہ آپ بچے کو بٹھا کر مسجد کے ماحول میں الف باتا سے لے کر من الجنتی والناس تک پڑھاؤ، ہمارے اس محلے کے بچے کو وضو کے فرائض بتاؤ، وضو کی سنتیں بتاؤ، نواقضات وضو بتاؤ، ہمارے اس بچے کو نماز کا تعارف کراؤ، روزے کا تعارف کراؤ، فجر کی نماز کی رکعتوں کی تعداد بتاؤ، ظہر عصر مغرب اور عشاء کی رکعتوں کی تعداد بتاؤ۔ یہ بچوں کا تعلیم کا انتظام ہماری مسجدوں میں ہونا چاہیے، ورنہ آنے والے حالات بڑے سنگین ہیں، آنے والے حالات بڑے خطرناک ہیں۔ اسکولوں کا سلیبس بدلنے کی بل پاس ہو رہی ہے، کیا آپ جانتے نہیں 2020 ایجوکیشن پالیسی کے قوانین آپ اٹھا کر پڑھیں گے، درد ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اس سلیبس کو پڑھ کر کتنے مسلمان اور کتنے مومن رہیں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ایک طرف ہمارے بچوں کو اسکولوں میں پڑھانا بھی ضروری ہے، دوسری طرف اسکولوں کے ماحول سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اب ایسی صورت میں ہمارے پاس لائحہ عمل یہی ہے، رام درگ کے مسلمانوں اور باگل کوٹ ضلع کے مسلمانوں، کہ اسکولوں میں جو ہوتا ہے انشاءاللہ ہوگا، دیکھا جائے گا ان کی یہ بل کتنا پاس ہوتی ہے اور اس بل پر کتنا عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارے بڑے خدا وحدہ لا شریک کی قسم سینہ تان کر 2020 ایجوکیشن بل کے خلاف پر کھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی جیت حق کی ہوگی، جیت علماء کرام کی ہوگی، انشاءاللہ تعالی جیت حق کی ہوگی، علماء کرام کی ہوگی، ناپاک لوگوں کی جیت نہ کبھی ہوئی نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ ایک طرف اسکولوں کا ماحول رکھو، بھیجنا بھی ضروری ہے، اسکول کو جا کر آنے کے بعد ہمارے بچوں کے عقیدوں پر جو اثر پڑتا ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم پر جو اثر پڑتا ہے، ہمارے بچوں کی تربیت پر جو اثر پڑتا ہے، اس اثر کو کلیئر کرنے کا اس سے بہتر علاج نہیں ہو سکتا کہ ہم ہماری مسجدوں میں ایک مکتب کا انتظام کریں۔ بولو انشاءاللہ کریں گے، مکتب کا انتظام، ہر مسجد میں مکتب کا ہونا اس پرفتن دور میں واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ جس کا چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے بچوں کو میں جہاں مسجدوں کے منتظمین کو میں نے گزارش کی، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، تم اپنے بچوں کو مسائل سکھاؤ۔ کل قیامت میں تم سے پوچھ ہوگی کہ کیا تم نے تمہارے بچے کو قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، تمہارے بچے کو تم نے حلال و حرام کی تمیز سکھائی کہ نہیں سکھائی، تمہارے بچوں کو ادب اور اخلاق کے مسائل سکھائے کہ نہیں سکھائے، تم سے سوال ہوگا۔ جس کے پیٹ میں بچے ہیں وہ کان کھول کر نہیں، کان پھوڑ کر سن لے، مرنے کے بعد سن لو، کان کھول کر مرنے کے بعد حکیم صاحب کسی باپ سے کسی ماں سے اللہ یہ سوال نہیں کریں گے کہ تو تیرے بچے کو ڈاکٹر بنایا کہ نہیں بنایا، انجینئر بنایا کہ نہیں بنایا، ڈاکٹر لائر بنایا کہ نہیں بنایا، لیکن یہ سوال تو ضرور ہوگا کیا تو نے تیرے بچے کو قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، تو نے تیرے بچے کو وضو سکھایا کہ نہیں سکھایا، تو نے تیرے بچے کو غسل سکھایا کہ نہیں سکھایا، تو نے تیرے بچے کو نماز سکھایا کہ نہیں سکھایا۔ جو بچے مدرسہ جانا تو دور کی بات، مکتب کو نہیں گئے، آج ان بچوں کی عمر 40-50 سال ہو گئی۔ میں بہت ہی آپ کو سمجھانے کے لیے بات قرض کر رہا ہوں، وہ بچے جو مدرسے دارالعلوم جانا تو دور کی بات، حکیم صاحب جو بچے مکتب کو نہیں گئے، کبھی کبھار وہ بچے جب 40-50 سال کی عمر کو پہنچ کر ہمارے بازو آ کر کھڑ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں کی اداؤں کو دیکھ کر ہم کو شرم آ جاتی ہے۔ آج تک ان کو نہیں معلوم کہ تکبیر میں ہاتھ کیسے اٹھانا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں تمہارا بھائی ہوں، دوست ہوں، ناراض نہیں ہونا، اتنے بڑے مجمع میں کتنے لوگوں کو
नमाज शुरू करते वक्त तकबीर तहरीमा में हाथ कैसा उठाना मालूम? हाथ कैसा बनना मालूम? हाथ बनते ही क्या पढ़ना मालूम? सूरह फातिहा कितना सही पढ़ना आता है आपको? तुम क्या समझ बैठे हो रामदुर के मुसलमानों, तुम जैसे भी पढ़ोगे अल्लाह खुश हो जाएगा? तुम्हारे पढ़ने का मुफ्ताज है अल्लाह। तुम पढ़ोगे तो खुदा की खुदाई में इजाफा होगा। खुदा बेनियाज है, सही पढ़ेंगे तो कबूल करेंगे, वरना कोरे कागज की तरह हमारी नमाजों को उठाकर फेंक देंगे। अल्लाह इबादतों के मोहताज नहीं। ऐसे फरिश्ते ही अल्लाह के पास जो पैदा होकर अब तक आंख झपकने का मौका भी नहीं छोड़े, अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं। आंख झपकने की खुद हजरत जिब्राइल फरमाते हैं। एक मर्तबा हुजूर ने पूछा, वक्त हो गया, मैं फिर करोना की तरफ आकर बात खत्म करता हूं, वाकया सुनो, करोना को छोड़ता नहीं। हुजूर ने पूछा कि जिब्राइल तुम्हारी जरा पैदाइश का वाकया बयान करो। कौन पूछे? हुजूर पूछे, किससे पूछे? मालूम की जिब्राइल? अरे जिब्राइल मालूम नहीं? मालूम जिब्राइल नहीं मालूम, मिकाइल नहीं मालूम, इसराफिल नहीं मालूम, इजराइल मालूम, कि तो बहुत बिजी थे लॉकडाउन में। कहा फोन करो तो भी इंगे जंगे जंगे, बहुत बिजी थे, बड़े मसरूफ थे, इधर उधर उधर इधर इधर उधर। हमें तो दुआ कर रहे थे अल्लाह हजरत इजराइल की मसरूफियत को जरा कम कर। अल्लाह किस वली की दुआ कबूल कर लिया कि अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत दे। हुजूर ने पूछा जिब्राइल से कि जिब्राइल फरिश्ते खुदा की कितनी इबादत करते हैं, देखो हमारी इबादतों के अल्लाह मोहताज नहीं है। करना अच्छी करना, करना ऐसा भी नहीं बोल सकता करे तो अच्छी करो नहीं तो नक्को बोलकर, नक्को का सवाल ही पैदा नहीं होता। करना अच्छी करना, काली आपा सालन में नमक छोड़ डाली तो गुस्सा आता, तो नमाज में सूरह फातिहा छोड़ डाले तो अल्लाह खुश होता, रुकू में तस्बीह छोड़ डाले तो अल्लाह खुश होता, सजदे की तस्बीह छोड़ दिया तो अल्लाह खुश होता, रोटी में नमक नहीं पड़े हजरत तलाक तक पहुंच गई जिंदगियां, की कहते इसे गुस्सा नाक में कहते, वो कितनी रे बड़ी नाक तेरी, नाक में तो गुस्सा, काली रोटी में नमक नहीं पड़ा, आटे में नमक नहीं पड़ा, शौहर नाराज हो गया, तू कायदे में अत्तहियात नहीं पड़ा तो क्या अल्लाह खुश हो जाएंगे? अरे मैं तो नमाज तक चले गया, माफी चाहता हूं, गुसल करना नहीं आता हजरत, फिर भी बच्चे पूछो 17, गुसल करना नहीं आता, पूछो कितने गुसल के फर्जा, नौजवाना को पूछो, पानी टवल साबुन शैंपू, ये फराइज़े अरबा, समझ में आई बात? क्या क्या? पानी टवल साबुन शैंपू ब्रश मुस्तहब, एक नौजवान पूछा हजरत खड़को नहा सकते? मैं सोचा ही नहीं कई को खड़को नहाता रंगा ही ना, मैं बोला पेट को नहावा, साबुन का पानी हमाम में पड़ता है, पिसल को गिरिया तो वहां से जनाजा निकलता नहीं हजरत, शवर का पानी ऊपर से गिरता सो, कई को शवर में नहाते, हमारा पुराना तरीका है बगीट में नीम गरम पानी रख ले को, पेट को अपनी शर्मगा की हिफाजत कर को नहाओ ना, लुंगी पहन लेकर अंदर जाओ,
वहां कौन देखता हजरत? देखो बोलता क्या भाई, लुंगी पहन ले कोई भागे तो वहां कौन देखता बोलकर पूछता ना, देखो बोलना क्या। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। इमाम अहमद बिन हम्बल को एक मर्तबा खुदा का दीदार हुआ। अल्लाह ने इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा, अहमद बता मैंने तुझे वली क्यों बनाया? सुभान अल्लाह, अहमद बता मैंने तुझे वली क्यों बनाया? अल्लाह आप जानते हैं, तू बता। अल्लाह मैं कुरान हिफ्ज कराना उसके वास्ते नहीं, हदीस याद कराना उस नहीं, फकीह बनाना उसके वास्ते नहीं। अल्लाह आप ही बेहतर जानते हैं कि आप मुझे वली क्यों बनाए। अल्लाह ने कहा कि अहमद तू मुझसे इतनी शर्म करता था, हमाम को गया तो भी तू कपड़े पहनने को जाता था नहीं, ये अदा पसंद आई, मैंने तुझे वली बना दिया। हमाम को गए तो भी तू अपने शर्मगा की हिफाजत करके लुंगी तहबन बांध कर जाता था नहीं, ये अदा तुझे तेरी मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने तुझे औलिया की फेहरिस्त में दाखिल कर दिया। इसी उम्र से छोटे बच्चों को बोलो बेटे लुंगी पहनने को जाबा, गुस्ल के फर्जा नहीं मालूम, वुजू के फराइज नहीं मालूम, मैं तो नमाज तक पहुंच गया। अल्लाह अकबर कबीरा पर नाच नमाज सही पढ़ो। जिन लोगों को इस उम्र में पहुंचकर नमाज नहीं आती उसका सबब क्या है कि उनके बचपन में उन्होंने मकातिब अरबिया व इस्लामिया में कदम नहीं रखा, और ऐसी जिंदगी हमारे बच्चों को नहीं देना है। हम अपने बच्चों को मकतब में दाखिल करना है, हमारे बच्चों को पढ़ाना है। नमाज अगर मस्जिद में आकर उसकी सही होना है तो इन उलमा के हवाले हम अपने बच्चों को करें, और मकतबों का निज़ाम राम दुर्ग के अंदर मजबूत हो जाए। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ राम दुर्ग के मालदारों और मस्जिदों के जिम्मेदारों तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ, इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, अपनी दौलत का एक हिस्सा इन मासूम बच्चों के तालीम और तरबियत के लिए खर्च करें, जगह ब जगह मकातिब अरबिया का इनकाद करें, मकातिब अरबिया की बुनियाद डालें, मस्जिदों का निजाम इतना अच्छा रखें कि जो बच्चा मकतब को आता है उसी के घर वालों की निस्बत मस्जिद से होगी, और हमारे मस्जिद के अतराफ अकनाफ जितने घर हैं सबका मुहासबा करें कि किस घर का बच्चा हमारे मकतब को आता है, किस घर का बच्चा नहीं आता। अगर किसी घर का बच्चा नहीं आता है तो उसके बड़ों से बात करके पढ़ने और पढ़ाने की तरगीब दे। इन बच्चों का मुस्तकबिल सवारे, इन बच्चों का फ्यूचर संभाले, और इन बच्चों का बचपन और इनकी जवानी संवारे, क्योंकि ये बच्चे आज के माहौल में जहां जाना है वहां नहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसीलिए मैंने इशारा दे दिया लव बिफोर मैरिज और लव आफ्टर मैरिज के बारे में, शादी से पहले मोहब्बत नहीं, शादी के बाद मोहब्बत। एक दूसरी बिल हमारे स्टेट में पास होने वाली है, मैंने भी जुमे के मौके पर बेंगलुरु की सरजमीन में कहा कि पास करो लव जिहाद, जिहाद को छोड़ो मेरे प्यारो, पहले लव पर पाबंदी लगाओ। इज्जतें बर्बाद हो रही है, हालात खराब हो रहे हैं, इज्जतें बर्बाद हो रही है। फिर वो वाकया बता देता हूं कि कोरोना का खौफ इतना था, इतना था, इतना था, एक साथी आकर मुझसे कहने लगे, हजरत मस्जिदों को गए तो भी समाजी फासले का कानून था, एक हाथ इधर दूर खड़ना, एक हाथ इधर दूर खड़ना, छींक लेकर थी, छींक अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत। इसीलिए आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह काम बोलते बोलो, निकाह होते ही नौशों को पूछते क्या आपने कबूल किया, तो जवाब क्या देता उन्हें, हजरत ये को खुद बोल कुछ पूरी जिंदगी मुसीबत में है, और खुद कहीं को बोलू, सब वक्त बोले तो भी उनेच उनेच क्या बोलता उन्हें, मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह कहा निकलिया सो,
नेमत के हुसूल पर छींक पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत, छींक अल्लाह की नेमत, छींक अल्लाह को पसंद। मज़ाहिर हक में लिखा है दो चीजें अल्लाह को पसंद नहीं, एक जमाई एक डकार। एक चीज अल्लाह को पसंद वो है छींक। जमाई सुस्ती की अलामत, शैतान का हमला, डकार ज्यादा खाने का नतीजा जिससे बदहजमी होती है। ये दो चीजें अल्लाह को पसंद नहीं, छींक अल्लाह को पसंद। और आज की दुनिया तरक्की की दुनिया कही जाती है, डॉक्टरों से पूछो, एक मर्तबा आदमी छींकता है, अंदर के अटके हुए छुपे हुए गलत इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले 3 करोड़ जरासीम एक छींक की वजह से बाहर निकल जाते हैं। एक छींक की वजह से। और आपको और एक बात बताऊं छींक के बारे में, रगों में खून कहीं स्टक हो जाता है, सर्कुलेशन बराबर नहीं होता, हार्ट तक खून जाता नहीं। आदमी जब छींकता है तो पूरा जिस्म में वाइब्रेशन आता है और कल्ब एक सेकंड के लिए रुक कर फिर हरकत में आता है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म है। और एक बात बताऊं, तीसरी बात बताऊं, छींक के फवाइद में लिखा है कि आदमी जब छींकता है या जिस आदमी को वक्तन फवक्तन कभी कभार छींक आती है, जिंदगी में कभी उसे लकवा नहीं मारता। सुन्नत नबवी जदीद साइंस उठा कर देख ले आप, मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। लेकिन हो को आई तो हजरत बोले बात छींके तो इतने फायदे, बोल को नाक में काड़िया रखो को ठीक इतने फायदे ही ना को फल को काम बैठता कि वो दस्ती का किनारा हो तो आना अलग करना अलग। छींक के फायदे होते हैं, लेकिन ये कोरोना क्या आया कि छींक बदनाम हो गया। हर चीज जो चमकदार है सोना नहीं होता। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। हर चीज जो चमकदार है सोना नहीं होता, हर छींक का मतलब भी करोना नहीं होता। सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। और वो छींका भी बांट लिए। और एक मर्तबा इशारा क्या हजरत, ये नात के अशर क्या हजरत ये नहीं है हजरत। हर चीज जो चमकदार हो सोना नहीं होता, हर छींक का मतलब भी करोना नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और छींका भी बांट लिए, मोदी जी को छींका ही तो क्या भी नहीं, मौली साहबों को छींका ही तो करोना, ये भी जरा दिन चलिया। पंडित को छींका ही तो क्या भी नहीं, मौली साहब को छींका ही तो करोना। अल्लाह इतना डरे इतना डरे इतना डरे करोना से, इसका 10% भी अगर करोना है तो भेजने वाले से डर जाते, पता नहीं कि कितने लोगों को अल्लाह विलायत अता कर देते। मेरे दोस्त कहने लगे कि हजरत एक मस्जिद को गया, ये खाद दूर एक आदमी खड़ा था, अचानक नाक गुलगुलाई, हजरत नमाज में छींके अच्छी बोल को उन्हें नमाज तोड़ को चलेगा। उन्हें नमाज तोड़ को चलेगा, कुछ नहीं, अल्लाह बहुत बड़े हैं। सुबह शाम दुआएं करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक सिहत वल इफ्फत वल अमाना व हुस्नल खुल्क वर रिदा बिल कद्र। बार बार वजू का पानी भी थोड़ा पी लिया करो। कसम अल्लाह की इतनी बातें जहन में हैं कि अगर बोलता रहूं तो और 1.5-2 घंटे का मजमून जहन में है। मुझे तो अफसोस सऊदी अरब की हुकूमत पर हुआ, जिन्होंने मक्के मदीने को भी ताला डाल दिया था। वक्त आया था कि जमजम की करामत दिखाने का, वक्त आया था मदीने के खजूर की करामत दिखाने का,
क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जमजम में हजारों बीमारियों की शिफा है, जिसे कोरोना होता उसे जमजम पिलाते। मेरे रब की कसम, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हमारे घर में भी लॉकडाउन में ज़रा तबीयत ख़राब हुई, गले में क्या कि खराश खराश बोलते थे, मंजर डर शुरू होगा क्या रे, इस वक्त में ऐसा बोल रही, अस्पताल वाले ले रही नहीं, क्या करना, मेडिकल में गए तो दवा देते नहीं। फिर भी मेरे दोस्त अहबाब को पूछा, लेकिन मैं दो वक्त जमजम पिलाना रहा, पिलाता रहा। अल्लाह ने वाकईतन मेरे तस्दीक करने से जमजम की फजीलत और हकीकत बढ़ती नहीं, लेकिन बता रहा हूँ, हम छोटे लोगों को जब तक तजुर्बा व नतीजा सामने नहीं आता, हमारे यकीन में इजाफा नहीं होता। रात को सोते वक्त मैं जमजम कुछ पिलाता था, सुबह को उठकर जमजम कुछ पिलाता था, मुझे भी बीच में ज़रा खराश शुरू हो गई, जमजम पीने लगा। अल्लाह ने यकीनन जमजम के अंदर बड़ी शिफा रखा है, उस जमजम के पीने से गले की खराश दूर हो गई। और मदीने का खजूर, जिस चीज़ की जिस्बत नबी से हो उसमें बीमारी नहीं शिफा होती है, जिसमें बीमारी नहीं शिफा होती है। लेकिन सारी दुनिया डर के आगोश में आ गई, हल्का हल्का दुनिया नॉर्मल तरफ आ रही है। दिलों से डर निकालो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, जैसा कि मौलाना ने भी फरमाया, मैंने उनके किताब को सुना, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। लॉकडाउन में बंद हुए तो हम कितना तड़पे, एक तरफ अल्लाह नाराज भी हो गए थे, किस वली की दुआ अल्लाह बेहतर जानता है, फिर से अल्लाह के रहमत के दरवाजे खुल गए। अब मस्जिदों को आबाद करो, सिवाय हमारे मसाइल अल्लाह के घर में हल होने के कहीं हल नहीं हो सकते। मस्जिदों को ऐसे आबाद करो जैसे जुमा और ईदेन और मुकद्दस रातों में आबाद करते हैं। अभी भी फजर की सफ़ें देखते हैं तो रोना आता है, जोहर की सफ़ें देखते हैं तो रोना आता है, असर मगरिब और इशा की सफ़ें देखते हैं तो रोना आता है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हर घर को आबाद फरमाए, अल्लाह ताला हर घर को आबाद फरमाए, हर मस्जिद को आबाद फरमाए। बतौर खास ये मस्जिद, जो मैं एक वाकया कुरान की तफसीर का पेश करना चाहता था, फिर कभी मौका मिलेगा तो हाजिर खिदमत होकर अर्ज करूँगा। ये मस्जिद जो ज़मीन नए तरीके से वक्फ होकर और किसी अल्लाह के बंदे ने इस मस्जिद की तामीर की है, इसमें जिसका जिसका जो हिस्सा जिस हैसियत से लगा है, उन तमाम के लिए बशारत है, अल्लाह ताला उन लोगों के लिए जन्नत में घर बना दिए हैं। और अल्लाह वो भी जन्नत में घर बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला जन्नत में मस्जिद के लिए जिसका जो हिस्सा लगता है उसके लिए जन्नत में जो घर बनाते हैं, बंदे की मर्जी का नहीं बल्कि अल्लाह फरमाते हैं मेरी मर्जी का घर तैयार करता हूँ। और हमारी मर्जी से ज़्यादा अल्लाह की मर्जी, हमारी ख्वाहिश से ज़्यादा अल्लाह की ख्वाहिश, हमारे मांगने से ज़्यादा अल्लाह की अता है। सब नियत करो, अल्लाह ताला हम तमाम को दौलत दिया तो हम भी अल्लाह के घर की तामीर करेंगे या तामीर में हिस्सा लेंगे। फिर आखिर में एक मरतबा मैं कहना चाहता हूँ बतौर काश रामदुर्ग के मसाजिद के जिम्मेदारों से, कि आप हजरात अपने अपने मस्जिदों में एक मकतब का खास इंतज़ाम करें, बच्चों के पढ़ने पढ़ाने का इंतज़ाम करें। आज इसकी ये गुजारिश को आप ज़रूर कबूल फरमाएंगे, मैं दुआ करता हूँ आप भी दुआ करें, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, हजरत ने काफ़ी देर से हम तमाम के सामने एक ऐलान करना चाहते कर लूँ। ये साथी हमेशा मेरे साथ रहते हैं और सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह साथ रहते हैं। मेरे कहने पर मेरे शेख की एक किताब लेकर आए हैं। आजकल घरों में मियां बीवी के झगड़े ज़्यादा हो गए, इसलिए कि शौहर जानता नहीं कि उसके हकूक़ क्या हैं, बीवी जानती नहीं कि उसके हकूक़ क्या हैं। हजरत शेख पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम ने इस किताब के अंदर मियां बीवी के हकूक़ कुरान और हदीस की रोशनी में जमा फरमाए हैं। हम लोग जुमे से मुसलसल सफ़र में हैं,
बहुत सारी किताबें लेकर आए थे, मुकम्मल हो गए, बहुत कम किताबें बाकी रह गई हैं। आप में से जो ख़रीदना चाहते हैं जल्दी ख़रीद लें और ख़रीद कर पढ़ें, अमल करें, घरों के अंदर इंशाल्लाह जन्नत का मज़ा मिलेगा। माशाल्लाह, हम बहुत देर से हज़रत वाला का जो खिताब सुन रहे थे, तो इन्हीं हज़रत की एक सीडी मेरे हाथ में मौजूद है। तो ये जो है पहली ताकरात नमाज़ों को ज़ाय करेंगे तो क़ियामत का वक्त करीब आएगा, दूसरी ताकरात मौत और क़ियामत, तीसरी ताकरात दीन बेचकर दुनिया बनाने लगेंगे, चौथी ताकरात क़ियामत के करीब इंसाफ कमज़ोर हो जाएगा, पांचवी ताकरात क़ियामत के करीब औरतों का गलत फैशन, और इसी तरीके से बीवी के लिए शोहर की इजाज़त, हराम खाने से बचो, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, रोज़ी रोटी की बरकत, हम गलत पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये तमाम बयानात इस सीडी में मौजूद हैं जो कि हज़रत मौलाना पीएम मुज़म्मिल साहब रशादी वाला जाही और नक्शबंदी क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया की जो है बयानात हैं, जो बहुत देर से हम सुन रहे थे। अब वक्त की किल्लत की वजह से जो है बयान को समेटना पड़ा, इसलिए अगर हम और मज़ीद इन बयानात को सुनना चाहते हैं तो ये सीडी हमारे पास मौजूद है, जिन हजरात को भी चाहिए वो रब्ता करें, इंशाल्लाह उनको सीडी मिल जाएगी। जो यहाँ बाहर के हिस्से में एक साथी खड़े हैं उन्हें से ले लें। हजरत दुआ दुआ के बाद इंशाल्लाह फौरन जो है अजान होगी, उसी के साथ 5-10 मिनट में जमात खड़ी हो जाएगी। तमाम हजरात जो जिनका वजू है वो मस्जिद में पहुंच जाएं, और जिनका वजू नहीं है वो 5-10 मिनट में जल्द से जल्द वजू वगैरह से फारिग हो जाएं। और उसके बाद इंशाल्लाह तमाम हजरात के लिए खाने का नज़्म रखा गया है, तमाम हजरात खाना खा कर जाएँ। और साथ ही साथ ज़रूरी है कि जो जिन हजरात की जो खिदमत तय हुई है वो हजरात वो जिस जगह उनको बुलाया गया वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि मेहमान बाहर से आए हुए हैं और काफ़ी देर से बैठे हैं। पहले हम रामदुरु वाले मेहमानों का ख्याल करें, फिर उसके बाद उनको खिलाकर उनकी अच्छी खासी मेहमान नवाजी करके उनको रवाना करें, फिर रामदुरु वाले बाद में खा लें। اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما جانے انجانے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ نیک اچھی صالح زندگی عطا فرما خطاؤں سے پاک زندگی عطا فرما گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما اللہ امت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما اللہ تیرے حبیب کی امت نرغے میں ہے تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے تیرے مدد و نصرت کی سخت ضرورت ہے اللہ تیرے حبیب کی امت کو دشمنوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ فرما اللہ ہر اعتبار سے حفاظت فرما جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اللہ مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما خانخواہوں کی حفاظت فرما اللہ والوں کے مزارات کی حفاظت فرما مسلمانوں کے جان مال کی حفاظت فرما دکانوں کی مکانوں کی حفاظت فرما حضرات علماء کی حفاظت فرما اساتذہ کرام کی حفاظت فرما اے الہ العالمین اے رب العالمین اے اکرم الاکرمین آج کے اس پورے انتظام کو تو قبول فرما آج تیرے گھر کی افتتاح ہے جو بندہ اور جس بندوں نے اس کی تعمیر میں جو جو حصہ لیا ہے اور اس زمین کو جس نے وقف کیا ہے تیری رضا کے لیے اللہ سب کی خدمتوں کو محبتوں کو قبول فرما فرمان رسول کے مطابق بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما
اے اللہ ہم سب کو اس کا حصہ عطا فرما، آج کے اس پورے انتظام میں جس کا حصہ لگا ہے سب کو بہترین بدلہ اور اجر عطا فرما۔ اے اللہ ساری امت کے لیے صحت اور عافیت کے فیصلے فرما، راحت اور سکون کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو وبا ساری دنیا میں چل رہی ہے اگر یہ حقیقت ہے تو اسے دور فرما، اے اللہ زمین کو پاک فرما، اگر یہ سازشیں ہیں تو بے نقاب فرما، اے اللہ سازشیں ہیں تو بے نقاب فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی ہر بڑی چھوٹی بیماریوں سے حفاظت فرما، شرمندہ کرنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، ذلیل بیماریوں سے حفاظت فرما، تڑپنے اور تڑپانے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین صحت بھی تیری نعمت ہے، بیماری بھی تیری نعمت ہے، اللہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ صحت کی نعمت سے ہم تمام کو مالا مال فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ جن کے سروں میں ماں باپ کا سایہ ہے ان کے سایوں میں برکت عطا فرما، ماں باپ کے عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ اہل و عیال کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے گھروں میں رحمت کے برکت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا علم عطا فرما، حدیث کا علم عطا فرما، حلال اور حرام کی تمیز عطا فرما، ادب اور اخلاق کا زیور عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون اطمینان عطا فرما، اے اللہ امت میں اتحاد عطا فرما، اے اللہ امت میں اتفاق عطا فرما، اے اللہ دشمنیوں سے، عداوتوں سے، حسد سے، نفرتوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو جو دعاؤں کی درخواست کی ہے تمام کے جائز تمناؤں میں بھرپور کامیابی عطا فرما، اے اللہ ایمان والی موت عطا فرما، راحت والی موت عطا فرما، مرنے کے بعد کے مسائل میں تیری مدد و نصرت عطا فرما، اے اللہ مرنے کے بعد کے مسائل میں تیری مدد و نصرت عطا فرما۔ اے اللہ عمل تو کچھ نہیں ہے، تیرے فضل پر ہماری نظر ہے، ہم تمام کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما، جنت الماوا و نعیم کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین جنت کی نعمتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرما، اللہ سب سے بڑی نعمت تیرا دیدار ہے، اے اللہ تیرے دیدار سے ہم تمام کو مشرف فرما، اے الہ العالمین تیرے دیدار سے ہم تمام کو مشرف فرما۔ اللہ جو جو دعاؤں کی درخواست کی ہے تمام کے جائز تمناؤں میں بھرپور کامیابی عطا فرما، اے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری اس دعا کو تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔